तो द सुप्रीम एल्किम मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वह मिस्टीरियस मैन फैंग का सारा टेंशन खुद पर करके पहले वाले डीमन को भगाने में कामयाब हो गई थी, जिसके बाद हमने फैंग को किन्सी के साथ फ्रूट ओवल टेल्टी के खोज में निकलता देखा था। जहाँ जब फैंग पहुँचता है तो वह इस फ्रूट ओवल टेल्टी के चारों तरफ एक आई एरे फॉर्मेशन को नोटिस करता है। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फैंग और लिंगर को देखते हैं जो लोग एक साथ फ्रूट ओवल टेल्टी की ओर काफी तेजी से बढ़ रहे थे, जिस फ्रूट को वह लोग आखिरी में पा भी लेते हैं क्योंकि फैंग लिंगर को सामने भेजकर इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में लग गया था। और इतने में लिंगर इसका फायदा उठाते हुए तुरंत ही स्पीड पर लगे सभी फ्रूट ओवल टेल्टी को हथिया लेती है, जिसके ऐसा करने से आई ऑफ फॉर्मेशन तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो फैंग जब देखता है कि लिंगर ने फ्रूट ओवल टेल्टी को हासिल कर लिया है तो वह तुरंत ही किन्सी को लेकर यहाँ से निकलने लगा था। पर उतने में वहाँ पर सॉन्ग फैमिली आ जाती है, जिसमें जो एल्डर होता है वह फैंग को जिंदा देख बोलने लगता है कि बच्चे हमने सोचा कि तुम्हें उस डीमन ने मार दिया होगा, लेकिन तुम तो सही सलामत तो हो ही, और साथ में तुमने तो फ्रूट ओवल टेल्टी को भी हासिल कर लिया। वाकई में तुमने तो मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। पर चलो कोई बात नहीं बच्चे, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम मुझे वो फ्रूट ओवल टेल्टी दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। जो बात जैसी वो एल्डर बोलता है कि इतने में हम वहाँ पर उन डाकुओं को फिर से आता हुआ देखते हैं जिन लोगों को किन्सी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा था। जो डाकुओं का लीडर फैंग को बोलने लगता है, बच्चे पिछली बार तो तुमने मुझे बहुत बुरी तरह से मार कर मेरा मैप भी मुझसे चुरा लिया, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी मैं होने नहीं दूंगा। और तुम लड़की, तुम्हें तो मैं इतना टॉर्चर करूंगा कि तुमने जो मुझे इतनी बुरी तरह से मारा है तुम वह बात सोच सोच कर बहुत ही ज्यादा पछताओगी। जिस पर फैंग उन डाकुओं के लीडर को बोलता है कि जो हमने पिछली बार तुम्हें बुरी तरह से मारा था, लगता है तुम उस मार को भूल गए हो। कोई बात नहीं, अभी याद दिला देता हूँ। पर वह डाकुओं का लीडर फैंग की इस धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरता, उल्टा उसे कहता है कि इस बार ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि इस बार मैं अपनी पूरी तैयारी करके आया हूँ। मिलो मेरे दो सबसे पावरफुल कल्टीवेटर से, जिन लोगों को मैं यहाँ पर खास तुमसे ही फाइट कराने आया हूँ, ताकि मैं अपना पुराना बदला भी तुमसे आसानी से ले सकूं। जिन दो बंदों में यह जो ओल्ड मैन था उससे वह डाकुओं का लीडर कहता है कि तुम इस लड़की को मत मारना, देखो ये लड़की कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए तुम इसे बिल्कुल भी परेशान मत करना, इसे तो मैं परेशान करूंगा। जिस पर ओल्ड मैन कहता है, तुम सही कह रहे हो, मैं भी इस लड़की को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, देखो तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है ये, भला इसे कौन परेशान करेगा। जिसको ये बोलता देख सॉन्ग फैमिली का यंग मास्टर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, पर उनके फैमिली का एल्डर उन्हें समझाता है कि तुम्हें क्या करने जा रहे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि वह दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, करना है तो बस इंतजार कि कब फैंग और इस ओल्ड मैन के बीच में फाइट होगा, जिस फाइट का हम फायदा उठाकर फैंग से उस फ्रूट ओवल टेल्टी को काफी इजिली हथिया लेंगे, इसलिए तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करो और यहाँ पर कोई भी गलत मूव मत चलना। फिर हम फैंग को देखते हैं जो उन डाकुओं के लीडर को कहने लगता है कि क्या इन दो जोकरों को उठा कर ले आए हो, भला यह मेरा क्या ही बिगाड़ पाएंगे, पर इनसे फाइट करने से पहले मुझे तुम्हें मजा चखाना होगा। जो बातें बोलकर फैंग अपने ब्लू स्पिरिचुअल फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है, जो उसने पिछले एपिसोड में इन डाकुओं के लीडर की बॉडी पर इंजेक्ट किया था, जिसके ऐसा करते इस लीडर की पूरी बॉडी ब्लू स्पिरिचुअल फ्लेम से जल उठती है, जिस फ्लेम को वह बुझाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, पर यह ब्लू स्पिरिचुअल फ्लेम को यहाँ फ्लेम तो थी नहीं कि जो इतनी आसानी से बुझ जाए, इसलिए सभी डाकू एक साथ मिलकर अपने लीडर को लात मारने लगते हैं ताकि इस फ्लेम को वह बुझा सके। जिस पर वो डाकू के लीडर के साथ आए दो बंदे फैंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे, जिसमें जो ओल्ड मैन था ये अपनी पावर का यूज करते हुए किसी तालिस्मान फ्लैग ट्रेजर को समन करता है, जिस ट्रेजर के समन होते यहाँ का पूरा एनवायरमेंट ही चेंज हो जाता है और चारों तरफ बस थंडरिंग होने लगी थी। तो फैंग जब देखता है कि ओल्ड मैन के पास एक ऐसा तालिस्मान है जिसके अंदर से वह काफी ज्यादा थंडर रिलीज कर सकता है, तो वह किन्सी को कहता है कि ओल्ड मैन से तो मैं खुद फाइट करूंगा और तुम जाकर इस ओल्ड मैन के साथी से फाइट करो, क्योंकि वह मुझे काफी ज्यादा वीक नजर आ रहा है। जिसके इन बातों को सुनकर तो किन्सी को फैंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वह खुद स्ट्रांग बंदे से फाइट कर रहा है और खुद उसके लिए वीक बंदे उसको दे रहा है। पर वह यहाँ पर इस बात पर बहस नहीं कर सकती थी, इसलिए वह तुरंत ही उस ओल्ड मैन के साथी वाले बंदे से फाइट करना स्टार्ट कर देती है, जिस फाइट में वह दोनों ही लोग अपनी फास्ट मूवमेंट का यूज करके काफी देर तक फाइट करते हैं। तो दूसरी ओर हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो अपने तालिस्मान ट्रेजर का यूज करके फैंग की तरफ एक थंडर लॉन्च करता है,
पर फैंग इस अटैक के लिए पहले से ही तैयार अपने आइस एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए इस पूरे थंडर को फ्रीज करने के साथ उस ओल्ड मैन का ये तालिस्मान ट्रेजर को भी फ्रीज कर देता है। जिसके आगे वो ओल्ड मैन कुछ समझ पाता उतने में फैंग काफी फास्टली उस ओल्ड मैन के पास आते हुए अपने आइस एंड फायर पावर का यूज कर उस ओल्ड मैन पर कई सारे पंचेस मारने लगता है। जिस पंच को वह शुरू में तो ओल्ड मैन अपनी पावर का यूज करके रोकने की कोशिश करता है, पर फैंग की यहाँ पर स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा इनहेंस हो चुकी थी, जिसके बस एक ही पंच के इम्पैक्ट से वो ओल्ड मैन काफी पीछे चला जाता है। जिसके आगे फैंग उस ओल्ड मैन को कोई भी संभलने का मौका ना देकर उस पर पंच की बारिश सा कर देता है। और दूसरी तरफ हम इस ओल्ड मैन के साथी को देखते हैं, जिस पर किन्सी ने अपने मार्शल स्प्रिट रेलम की पावर का यूज करते हुए अपने लॉयन बीस्ट को समन करके कई सारे अटैक कर रही थी, जिन अटैक को डिस्ट्रॉय या डॉच करने में ही बेचारा परेशान हो गया था। जिसी दौरान इस बंदे की नजर ओल्ड मैन पर भी पड़ती है, जिसे फैंग बहुत ही बुरी तरह से पंचेस मार रहा था। और अब जबकि इस बंदे का ध्यान भटक गया है, तो किन्सी का फायदा उठाते हुए उस पर अपनी एक थंडर लाइटनिंग अटैक करती है, जिस अटैक के लगते ये बंदा उस ओल्ड मैन की तरफ जाते हुए उस पर ही जा गिरता है। तो सॉन्ग फैमिली का एल्डर जब देखता है कि फैंग और किन्सी ने एक साथ मिलकर उस ओल्ड मैन और उसके साथी को इतनी बुरी तरह से मारा है, तो उसको भी अब समझ में आ चुका था कि ये दोनों कितने ज्यादा पावरफुल हैं। इसलिए जब सॉन्ग फैमिली का यंग मास्टर एल्डर को कहता है कि यही हमारा मौका है कि हम फैंग से फाइट करके उस फ्रूट ऑफ वाइटैलिटी को उससे छीन लें, तो वह एल्डर उन्हें समझाते हैं कि तुम जिस फैंग और किन्सी को कमजोर समझकर उनसे फाइट करने को जा रहे हैं, वह तुम्हारे सोच से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि उन दोनों ने उस ओल्ड मैन और उसके साथी का क्या हल कर दिया है? तुम्हें भी वह हल करवाना है तो तुम बिल्कुल ही जा सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। पर मेरी बात मानो तो यहाँ से निकलना ही सही होगा, क्योंकि हम उनके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा वीक हैं। जिनके बोलते ही हम फैंग को देखते हैं, जो अपने एप बीस्ट को समन करके उसकी स्ट्रेंथ की पावर को यूज करते हुए इस ओल्ड मैन पर काफी ज्यादा पावरफुल पंचेस मार रहा था। जिसको इतना पावरफुल टेक्निक यूज करता देख वह सॉन्ग फैमिली का एल्डर अब ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए तुरंत ही सॉन्ग फैमिली का यंग मास्टर और उसके सिस्टर को लेकर यहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। जिसके बाद हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं, जो अपने हाथों से बाज ना आते हुए फिर से अपने तालिस्मान ट्रेजर को समन कर फैंग पर उससे अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार फैंग अपने आइस एलिमेंट से बने हुए एक चाबुक को बाहर निकालता है, जिसके बाद एक स्ट्राइक और ये तालिस्मान ट्रेजर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब जबकि ये ट्रेजर उस ओल्ड मैन की बॉडी से कनेक्टेड था, तो इसकी वजह से वो ओल्ड मैन भी इंजर्ड हो गया था। जिसके आगे वो ओल्ड मैन जैसे ही अपने आप को संभालता है, उतने में फैंग उसके नजदीक आकर उसे काफी पावरफुल किक मारता है, जिस किक के लगते ही वो ओल्ड मैन काफी पीछे चला गया था। तो वह डाकुओं की गैंग जब देखती है कि ओल्ड मैन हार रहा है, तो वह तुरंत यहाँ से भाग खड़े होते हैं इस ओल्ड मैन के ठीक ऊपर से, जिससे इस ओल्ड मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से हम उसकी थर्ड आई को ओपन होता हुआ देखते हैं, जिससे काफी नोकीली चीज फैंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगी थी। पर फैंग भी इसके लिए तैयार अपने ब्रोकन जेड ऑफ स्नेक हैंड टेक्निक का यूज करते हुए ओल्ड मैन की इस नोकीली सी चीज को काफी इजिली डिस्ट्रॉय करते हुए उसे इस टेक्निक का यूज करके वहीं पर फ्रीज कर देता है। और इतने देर में हम किन्सी को देखते हैं, जो अपने मार्शल स्प्रिट रेलम की पावर का यूज करते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन को समन करके इस बंदे पर काफी ज्यादा अटैक कर रही थी। जिसके शुरुआती अटैक को तो ये बंदा काफी इजीली डॉच कर लेता है, पर ये अटैक ज्यादा नंबर्स में होने के कारण वह इन्हें ज्यादा समय तक डॉच नहीं कर पाता और उनसे हिट होकर उस ओल्ड मैन के पास आ गया था, जिससे आखिर में वो ओल्ड मैन और साथ में उसका बंदा काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। जिनको सबक सिखाने के बाद फैंग जैसे ही यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, कि उतने में वह वहाँ पर एक काफी पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट होता हुआ देखता है। जिस फॉर्मेशन को देख फैंग किन्सी को कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई मौजूद है, तुरंत यहाँ से निकलो वरना हम यहाँ पर खतरे में पड़ सकते हैं। जो बातें बोलकर फैंग किन्सी को लेकर काफी तेजी से यहाँ से निकलता है, पर इसका अब कोई भी फायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि जैसे ही वह लोग उस दूरी पहुंचते हैं कि उतने में वह लोग चारों तरफ से एक ब्लैक स्मोक में कवर हो गए थे, जिस ब्लैक स्मोक को बनता देख किन्सी तुरंत इसे डिस्ट्रॉय करने को बढ़ती है। पर फैंग उसे समझाता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जितना आसान ये ब्लैक स्मोक तुम्हें डिस्ट्रॉय करना लग रहा है, उतना आसान ये है नहीं, इसलिए तुम इससे दूर रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जिसके बाद हम उस ब्लैक स्मोक से कुछ लोगों की आवाज आता हुआ सुनते हैं, जो लोग यही बोल रहे थे कि लो फिर से हमारी मुलाकात तुमसे हो गई, जो लोग कोई और नहीं थे बल्कि वह पहला वाला डीमन, उसके साथ वाले मिस्टीरियस वूमेन और वह होटल मैनेजर था, जिससे फैंग ने फ्रूट ऑफ वाइटैलिटी के बारे में पूछा था। तो फैंग जब देखता है कि होटल मैनेजर भी डीमन क्लैन का मेंबर है, तो वह काफी ज्यादा हैरान हो गया था।
जो उस होटल मैनेजर से बोलता है कि मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम इस डीमन क्लैन के बंदे होगे, तुम तो मुझे काफी ज्यादा शरीफ नजर आ रहे थे। जिस पर वो होटल मैनेजर बोलता है कि मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि तुम फ्रूट ऑवल टेल्टी को हासिल कर लोगे, वाकई मैं तो तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। पर बच्चे तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा क्योंकि तुमने हमारे एक डीमन क्लैन के मेंबर को काफी ज्यादा जो इंजर्ट कर दिया था। पर तभी हम फैंग को देखते हैं जो किन्सी से कह रहा था कि हम लोगों ने अभी तक बहुत ही ज्यादा फाइट की है, जिसकी वजह से मैं तो काफी ज्यादा वीक हो चुका हूँ, इसलिए मैं इन डीमन से फाइट नहीं कर सकता, इसलिए मेरी बात मानो तो यहाँ से निकलना ही सही होगा। जो बात तो फैंग बिल्कुल ही सही कह रहा था, इसलिए किन्सी फैंग के साथ तुरंत यहाँ से निकलने लगी थी। जिनको ऐसा जाता हुआ देख वह पहला वाला डीमन उस होटल मैनेजर कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि वह लोग यहाँ से भाग रहे हैं, जल्दी कुछ करो और उनको रोको। तो वह होटल मैनेजर कहता है हाँ रुको रुको। जो बोलकर वह होटल मैनेजर अपनी डीमन पावर का यूज करते हुए कई सारे स्कल को समन करके फैंग और किन्सी की ओर लगा देता है, जिसके दिखाती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।